हेलो स्टूडेंट्स, देखो भाई, कल हमने पढ़ा था एल्किल हैलाइड के निर्माण की विधियाँ या एल्किल हैलाइड का निर्माण। और हमने एल्किल हैलाइड का जो निर्माण की विधियों में पहले पढ़ा था एल्केन से एल्किल हैलाइड का निर्माण, एल्केन से एल्किल हैलाइड का निर्माण। और मैंने बताया था एल्केन में एल्किल हैलाइड का निर्माण करते हैं तो एल्केन की अभिक्रिया, एल्केन का क्लोरीनेशन या क्लोरीनीकरण किया जाता है। किसकी उपस्थिति में? प्रकाश की उपस्थिति में, फोटोकेमिकल कंडीशन में। और मैंने बताया था, क्या बताया? मैंने ये बताया कि प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीनीकरण कराते हैं। किसका? एल्केन का। तो एल्किल हैलाइडों का मिश्रण प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एल्किल हैलाइडों का मिश्रण। और मैंने ये भी बताया था कि इस विधि द्वारा शुद्ध एल्किल हैलाइड प्राप्त नहीं किए जाते हैं, क्योंकि इसमें एल्किल हैलाइड का मिश्रण प्राप्त होता है, एल्किल हैलाइड का मिश्रण प्राप्त होता है। और यह जो विधि है औद्योगिक स्तर पर तो उपयोगी विधि है, लेकिन प्रयोगशाला में, या मैं बोलूँ लेबोरेटरी में, जो हम प्रैक्टिकल करते हैं वहाँ पर यह अधिक उपयोगी विधि नहीं है। फिर सेकंड मेथड या सेकंड विधि पढ़ी थी मैंने एल्किल हैलाइड के निर्माण की विधियों में। सेकंड विधि में मैंने पढ़ी थी एल्कीन से, और एल्कीन में आपने दो प्रकार के नियम पढ़े थे, एक तो मार्कोनिकोफ नियम या मार्कोनिकोफ रूल और दूसरा एंटी मार्कोनिकोफ नियम। एंटी मार्कोनिकोफ नियम को मैंने अन्य दो नाम बताए थे, परोक्साइड प्रभाव और खरास प्रभाव। एल्कीन से मैंने एल्किल हैलाइड का निर्माण, तो तुमको पता है जब एल्कीन के समय में, तो एल्कीन से सम्मित एल्किन की अभिक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड के साथ कराते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ कराते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। किसी भी कार्बन पर तो हाइड्रोजन जुड़े और किसी भी कार्बन पर हेलोजन जुड़े, किसी भी कार्बन पर हेलोजन जुड़े। लेकिन मैंने और आगे बताया था कि जब असम्मित एल्किन पर हाइड्रोजन हैलाइड का योग किया जाता है, हाइड्रोजन हैलाइड का योग किया जाता है तो हाइड्रोजन परमाणु वहां जा करके जुड़ता है, या एल्किन के उस कार्बन परमाणु पर जा करके जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या क्या हो? ज्यादा हो। और हेलोजन परमाणु या अधिक विद्युत ऋणी जो परमाणु है वो उस एल्किन के उस कार्बन परमाणु पर जाकर जुड़ता है। किस कार्बन परमाणु पर? जहां पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या होती है? कम होती है। और इसी को मैंने एक नियम का नाम दिया था। क्या क्या नाम दिया था? मार्कोनिकोफ नियम। क्योंकि इस नियम के बारे में सर्वप्रथम, या इस अभिक्रिया में, इस योग के बारे में, हाइड्रोजन हैलाइड के योग के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था? मार्कोनिकोफ ने। इसलिए इसको मार्कोनिकोफ नियम के नाम से भी जाना जाता है। फिर मैंने नेक्स्ट ये बताया था कि असम्मित एल्किन पर ही, किस पर? असम्मित एल्किन पर ही HBr का योग परोक्साइड की उपस्थिति में किया जाता है। किसका योग? परोक्साइड का, ना कि HCl और HI का। असम्मित एल्किन पर HBr का योग परोक्साइड की उपस्थिति में किया जाता है। तो यहां पर जो योग होता है HBr का, किसका? HBr का, वो मार्कोनिकोफ नियम के क्या होता है? विपरीत होता है। मार्कोनिकोफ नियम के विपरीत होता है। अर्थात मैंने बताया था हाइड्रोजन परमाणु या धन विद्युती भाग वहां जा एल्किन के उस कार्बन परमाणु पर जाकर जुड़ते हैं जहां हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या होती है? कम होती है। और हेलोजन परमाणु या ऋण विद्युती भाग एल्किन के उस कार्बन परमाणु पर जाकर जुड़ते हैं जहाँ हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या होती है? ज़्यादा होती है। क्या होती है? ज़्यादा होती है। अर्थात यहाँ पर HBr का जो योग है असम्मित एल्किन पर वो मार्कोनिकोफ नियम के क्या होता है? विपरीत होता है। इसलिए इस नियम को एंटी मार्कोनिकोफ नियम के नाम से जाना जाता है, एंटी मार्कोनिकोफ नियम के नाम से जाना जाता है। और सेकंड में इसका नाम बताया, इसको बताया था, इसको परोक्साइड प्रभाव के नाम से भी जाना जाता है। किसके प्रभाव? किस नाम से? परोक्साइड प्रभाव के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यह अभिक्रिया परोक्साइड की उपस्थिति में संपन्न होती है। किसकी उपस्थिति में? परोक्साइड की उपस्थिति में संपन्न होती है। इसलिए इस प्रभाव को परोक्साइड प्रभाव के नाम से भी जाना जाता है। और थर्ड नाम दिया था मैंने, क्या नाम दिया था? खरास प्रभाव। क्या नाम दिया था? खरास प्रभाव। क्योंकि आपको पता है इस प्रभाव के बारे में, या इस अभिक्रिया इसके में जो एंटी मार्कोनिकोफ नियम के बारे में सर्वप्रथम खरास नामक वैज्ञानिक ने बताया था। किस वैज्ञानिक ने? खरास नामक वैज्ञानिक ने बताया था। इसलिए इसे खरास प्रभाव के नाम से भी जाना जाता है। तो आज हम नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो मेथड है एल्किल हैलाइड बनाने की विधियों में, नेक्स्ट मेथड है एल्कोहलों से। किससे? एल्कोहलों से। तो एल्कोहलों से हम किस प्रकार से एल्किल हैलाइड का निर्माण करते हैं, एल्कोहलों से हम किस प्रकार से एल्किल हैलाइड का निर्माण करते हैं,
तो सबसे पहली हम बात करते हैं कि एल्कोहलों की अभिक्रिया जब HX के साथ की जाती है, किसके साथ? एल्कोहलों की अभिक्रिया, एल्कोहल की अभिक्रिया किसके साथ की जाती है? HX के साथ। किसके साथ? HX के साथ, या बोल दूं हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। किसके? हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ की जाती है, तब एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। वो कैसे होता है? देखो ये यहाँ पर ये एल्कोहल है, क्या है? एल्कोहल, और यहाँ आपको पता है ये एल्किल ग्रुप है, क्या है? एल्किल ग्रुप, और एल्किल ग्रुप में ये कुछ भी हो सकता है, एथिल और मैथिल। आपको पता है एल्किल हैलाइड का जब निर्माण होता है किससे? एल्कोहल से। तो कौन सा बॉन्ड टूटता है? कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य बॉन्ड टूटता है। कौन सा बॉन्ड टूटता है? कार्बन ऑक्सीजन के मध्य बॉन्ड टूटता है। अर्थात मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर एल्कोहल की क्रियाशीलता है, रिएक्टिविटी का ऑर्डर, क्रियाशीलता का जो क्रम है, क्रियाशीलता का क्रम ये होता है कि सबसे पहले 3 डिग्री का CO बॉन्ड टूटता है, फिर उसके बाद 2 डिग्री का, उसके बाद 2 डिग्री का, और उसके बाद 1 डिग्री का। तो यहाँ पर एल्कोहलों की क्रियाशीलता का जो क्रम होगा वो सबसे पहले 3 डिग्री अधिक क्रियाशील रहता है, उससे कम क्रियाशील 2 डिग्री रहता है, और सबसे कम क्रियाशील कौन सा रहता है? 1 डिग्री एल्कोहल रहता है। क्या रहता है? 1 डिग्री एल्कोहल रहता है। तो आपकी समझ में आ गया होगा एल्कोहलों की क्रियाशीलता का क्रम, सबसे अधिक क्रियाशील 3 डिग्री, उससे कम क्रियाशील 2 डिग्री, और उससे कम क्रियाशील 1 डिग्री। अब हम हाइड्रोजन हैलाइड की बात करें, किसकी? हाइड्रोजन हैलाइड। तो हाइड्रोजन हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम, हाइड्रोजन हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम, किसका क्रम? क्रियाशीलता का क्रम, क्रियाशीलता का क्रम, सबसे अधिक क्रियाशील HI रहता है, उसके बाद HBr रहता है, और सबसे कम HCl रहता है। सबसे अधिक क्रियाशील तो HI रहता है, उसके बाद HBr रहता है, और सबसे कम क्रियाशील कौन सा रहता है? HCl। क्योंकि आपको पता है कि आवर्त सारणी में जब ऊपर से हम नीचे आते हैं, फ्लोरीन से क्लोरीन, क्लोरीन से ब्रोमीन, और ब्रोमीन से आयोडीन, ऊपर से नीचे आते हैं, क्या आते हैं? ऊपर से नीचे। तो आपको पता है कोषों की संख्या में वृद्धि होती है। यहाँ क्या है? 2p। कौन सा है? 2p। ये 3p, ये 4p, और ये क्या है? 5p। आपको पता है जैसे जैसे कोषों की संख्या में वृद्धि होती जाती है या n का मान बढ़ता जाता है, तो बॉन्ड बनने की जो सामर्थ्य है वो क्या होती जाती है? दुर्बल होती जाती है। बंध बनने की सामर्थ्य दुर्बल होती जाती है, अर्थात बंध कैसा बनेगा? दुर्बल बॉन्ड बनेगा। हाइड्रोजन और आयोडाइड के मध्य, आयोडीन के मध्य जो बॉन्ड बनता है वो कैसा बनता है? दुर्बल बनता है। तो प्रबल बॉन्ड सबसे अधिक HF रहता है, उससे कम प्रबल HCl, और उससे कम प्रबल HBr, सबसे कम जो प्रबल रहता है वो HI रहता है। अर्थात मैं बोल सकता हूँ HI जो बॉन्ड है वो कैसा रहता है? दुर्बल रहता है। जब दुर्बल रहता है तो आसानी से टूट जाता है, आसानी से टूट जाता है, और आसानी से टूट जाएगा तो ये अधिक क्रियाशील रहता है। इसलिए हाइड्रोजन हैलाइडों की क्रियाशीलता के क्रम की बात करें तो सबसे अधिक क्रियाशील HI रहता है, उससे कम क्रियाशील HBr रहता है, सबसे कम क्रियाशील HCl रहता है। तो देखो एल्कोहलों से एल्किल हैलाइड के निर्माण की विधियाँ, उसमें सबसे पहले एल्किल हैलाइड के निर्माण की विधियों में एल्कोहल की अभिक्रिया किसके साथ? हाइड्रोजन हैलाइड के साथ की जाती है। किसके साथ? हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। आपको पता है जब एल्कोहल की अभिक्रिया कर रहे हैं तो हमारे को पता होना चाहिए कि एल्कोहल 3 डिग्री भी होता है, 2 डिग्री भी होता है, 1 डिग्री भी होता है। क्या होता है? 3 डिग्री होता है, 2 डिग्री होता है, और 1 डिग्री होता है। तो सबसे अधिक क्रियाशील कौन सा रहता है? 3 डिग्री रहता है, उससे कम क्रियाशील कौन सा रहता है? 2 डिग्री रहता है, और सबसे कम क्रियाशील कौन सा रहता है? 1 डिग्री एल्कोहल रहता है। ऐसे हम HX की बात करते हैं कि HX भी HI होता है, HBr होता है, HCl होता है, और HF होता है। तो मैंने अभी बताया आपके लिए कि जैसे जैसे आवर्त सारणी ऊपर से नीचे की तरफ आते जाते हैं कोषों की संख्या वृद्धि होती जाती है, कोषों की संख्या में वृद्धि होती जाती है, और कोषों की संख्या में वृद्धि होने से बंध सामर्थ्य क्या होती जाती है? दुर्बल होती जाती है, अर्थात बंध क्या होता है? वीक होता जाता है। इसलिए HI सबसे अधिक क्रियाशील रहता है, उससे कम क्रियाशील HBr रहता है, और सबसे कम क्रियाशील कौन सा रहता है? HCl रहता है। कौन सा रहता है? HCl रहता है। तो देखो पहली विधि की हम बात करें एल्कोहलों से एल्किल हैलाइड के निर्माण की विधियों में, पहली विधि है HCl से। किससे? HCl से।
एल्किल हैलाइड में सबसे पहली विधि HCl से इसे ग्रोव अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया? ग्रोव अभिक्रिया, ग्रोव रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है, ग्रोव अभिक्रिया ग्रोव रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। तो देखो भाई, एल्कोहल से एल्किल हैलाइड का निर्माण किस टाइप से करेंगे? एल्कोहल है, इसकी अभिक्रिया HCl या लुकास अभिकर्मक, मैं यहाँ लिख दूँ कि जब एल्कोहल की अभिक्रिया लुकास अभिकर्मक के साथ की जाती है, और आपको लुकास अभिकर्मक क्या है? सांद्र HCl प्लस निर्जल या एनहाइड्रस ZnCl2 को क्या बोला जाता है? लुकास अभिकर्मक। जब एल्कोहल की अभिक्रिया लुकास अभिकर्मक के साथ की जाती है, तो एल्किल क्लोराइड किसका? एल्किल क्लोराइड या हेलो एल्केन का निर्माण होता है। तो बच्चों ध्यान देंगे कि एल्कोहल की अभिक्रिया ल्यूकास अभिकर्मक है, ल्यूकास रिएजेंट, और ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है? कंसंट्रेट HCl प्लस निर्जल ZnCl2 को क्या कहा जाता है? ल्यूकास रिएजेंट कहा जाता है, ल्यूकास अभिकर्मक कहा जाता है। तो इसकी अभिक्रिया जब एल्कोहल से की जाती है तो एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। देखो कैसे, यह एल्कोहल क्या है? एल्कोहल, इसकी अभिक्रिया सांद्र HCl के साथ, और एनहाइड्रस क्या है ZnCl2 के साथ की जाती है। तो देखो यहाँ पर ये CO बॉन्ड टूट रहा है, क्या टूट रहा है? CO बॉन्ड। और मैंने बताया था एल्कोहल में CO बॉन्ड के टूटने का जो क्रम 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री, अर्थात 2 डिग्री सबसे अधिक क्रियाशील एल्कोहल रहता है, उससे कम क्रियाशील 2 डिग्री, सबसे अधिक क्रियाशील 3 डिग्री, उससे कम क्रियाशील 2 डिग्री, और सबसे कम क्रियाशील कौन सा एल्कोहल रहता है? 1 डिग्री एल्कोहल रहता है। कौन सा एल्कोहल रहता है? 1 डिग्री एल्कोहल रहता है। तो यहाँ यदि बात करें तो किसका निर्माण होगा? एल्किल क्लोराइड का निर्माण, और ये बाहर कौन सा निकलेगा? H2O या जल कणु क्या होता है? बाहर निकलता है। तो ध्यान देंगे जब एल्कोहल की अभिक्रिया सांद्र HCl कैसा? सांद्र HCl के साथ निर्जल ZnCl2 के साथ की जाती है तो एल्किल क्लोराइड का निर्माण होता है। आपको पता है कि निर्जल एनहाइड्रस ZnCl2 या बोल दूं निर्जलीय ZnCl2 का क्या कार्य है? यहाँ पर निर्जलीय ZnCl2 का कार्य है कि जो अभिक्रिया के दौरान जल का निर्माण होता है, इस जल को क्या कर लेता है? जल का एब्जॉर्ब कर लेता है। और आपको लासातालीय नियम के अनुसार आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, लासातालीय नियम के अनुसार यदि उत्पाद की सांद्रता में कमी होती है तो अभिक्रिया अग्रदशा में संपन्न होती है, और यदि अभिकारक की सांद्रता में कमी होती है तो अभिक्रिया पश्च दशा में संपन्न होती है। अर्थात जिधर सांद्रता में कमी होगी अभिक्रिया उसकी तरफ ही क्या होती है? चलती है। यहाँ पर तो इसका क्या होता है? यहाँ पर यह एनहाइड्रस ZnCl2 इस जल का क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है या अवशोषित करता रहता है, जिसके कारण उत्पाद की सांद्रता में कमी होती जाती है, या जल की सांद्रता में कमी होती जाती है, और अभिक्रिया अग्रदशा में संपन्न होती रहती है। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम एग्जाम्पल की, CH3CH2OH सांद्र HCl की उपस्थिति में कंसंट्रेट HCl के साथ निर्जलीय ZnCl2 की उपस्थिति में, निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में, तो आपको पता है क्या बाहर निकलेगा? जल का अणु। क्या बाहर निकलता है? जल का अणु। और किसका निर्माण होता है? एल्किल क्लोराइड का निर्माण होता है। क्या निर्माण होता है? एल्किल क्लोराइड का निर्माण होता है। तो ध्यान देंगे दोबारा से, जब एल्कोहल की अभिक्रिया सांद्र HCl की उपस्थिति में, निर्जल ZnCl2 निर्जल ZnCl2 के साथ की जाती है तो एल्किल क्लोराइड का निर्माण होता है। और नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देखते हैं, CH3CH OH CH3 और ये क्या है यहाँ पर? सांद्र HCl की अभिक्रिया निर्जलीय ZnCl2
निर्जल ZnCl2 के साथ की जाती है। तो आपको पता है यहां से क्या निकलेगा, ये जलकाणु बाहर निकलता है। क्या निकलता है, जलकाणु बाहर निकलता है। और कितने डिग्री एल्किल हैलाइड का निर्माण हुआ, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। तो देखो बच्चों, दोबारा से एक बार ध्यान से सुनेंगे कि जब एल्कोहल की अभिक्रिया सांद्र HCl के साथ, एल्कोहल की अभिक्रिया सांद्र HCl के साथ, कंसन सांद्र HCl के साथ निर्जल ZnCl2, यह निर्जलीय जिंक क्लोराइड के साथ की जाती है, तो एल्किल क्लोराइड का निर्माण होता है। एल्किल क्लोराइड का निर्माण होता है और यहाँ क्या, एक जलकेणु का निर्माण भी होता है। और जल केणु को क्या करता है, निर्जल ZnCl2 एब्जर्व कर लेता है या अवशोषित कर लेता है, और इसके द्वारा हम एल्किल क्लोराइड का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि एल्किल क्लोराइड देखो बच्चों, HX सबसे पहले बताया मैंने HCl से, HCl में किसका उपयोग करना है आपको, ल्यूकास रिएजेंट, किसका, ल्यूकास रिएजेंट। सेकंड यदि मैं बात करूं तो HBr से, किससे, HBr से एल्किल हैलाइड का निर्माण। और देखो HBr से एल्किल हैलाइड का निर्माण करने के लिए हम क्या करते हैं कि या तो सोडियम ब्रोमाइड या KBr की अभिक्रिया किसके साथ की जाती है, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ की जाती है। अर्थात HBr का निर्माण हम अभिक्रिया के दौरान ही करते हैं, किसके दौरान, अभिक्रिया के दौरान ही करते हैं। जब सोडियम ब्रोमाइड या पोटेशियम ब्रोमाइड की अभिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में की जाती है, किसकी उपस्थिति में, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में की जाती है। तो यहां पर देखो सबसे पहले तो किसका निर्माण होगा, HBr का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, HBr का निर्माण। देखो मैं दोबारा से और बता देता हूं कि पोटेशियम ब्रोमाइड और सोडियम ब्रोमाइड की अभिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में की जाती है। तो सबसे पहले तो देखो क्या निर्माण होता है, सबसे पहले यह HBr, किसका निर्माण होगा, HBr, यहां पर भी HBr, और उसके बाद देखो NaHSO4 सोडियम बाई सल्फेट, और यहां पर KHSO4, KHSO4। फिर नेक्स्ट क्या होता है, अब यहां पर हमने HBr का निर्माण कर लिया, HBr का निर्माण कर लिया। अब ये HBr क्या करता है, एल्कोहल के साथ अभिक्रिया करता है, किसके साथ, एल्कोहल के साथ अभिक्रिया करता है। और जल के एक अणु का क्या होता है, निष्कासन, और एल्किल ब्रोमाइड का क्या होता है, निर्माण होता है, एल्किल ब्रोमाइड का निर्माण होता है। तो बच्चों ध्यान रखना कि HCl से एल्किल हैलाइड प्राप्त करने के ल्यूकास रिएजेंट का उपयोग करते हैं, या एल्कोहल से एल्किल क्लोराइड बनाने के लिए, एल्कोहल से एल्किल क्लोराइड बनाने के लिए ल्यूकास रिएजेंट को उपयोग में लिया जाता है। और ल्यूकास रिएजेंट मैंने अभी बताया है कि सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2 को ल्यूकास रिएजेंट, ल्यूकास अभिकर्मक के नाम से जाना जाता है। लेकिन बात करें एल्किल ब्रोमाइड, तो एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना है, सोडियम ब्रोमाइड या पोटेशियम ब्रोमाइड की अभिक्रिया आपको सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में पहले करानी पड़ती है, क्योंकि HBr अभिक्रिया के दौरान ही क्या होता है, बनाना पड़ता है, अभिक्रिया के दौरान ही बनाना पड़ता है। और फिर HBr का निर्माण करके हम एल्कोहल की अभिक्रिया HBr से की जाती है, तो किसका निर्माण होता है, एल्किल ब्रोमाइड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, एल्किल ब्रोमाइड का निर्माण होता है। मैं इस कंप्लीट रिएक्शन को इस टाइप से लिख सकता हूँ, ROH प्लस NaBr, NaBr प्लस H2SO4 प्लस H2SO4। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एल्किल ब्रोमाइड बनाना है, RBr बनाना है। क्या बनाना है, RBr, अर्थात मैं बोल दूं कि आपको क्या करना है कि सबसे पहले ये क्या, ये बनाना है एल्किल ब्रोमाइड। क्या बनाना है, एल्किल ब्रोमाइड। और यहां से एक हाइड्रोजन लेकर के आपको क्या निकालना है, जल का एक अणु निकालना है। क्या निकालना है, जल का एक अणु निकालना है। तो देखो
सबसे पहले मैंने एल्किल ब्रोमाइड बना दिया, फिर क्या किया जल का अणु बाहर निकाल दिया, फिर क्या बचा NaHSO4, क्या बचा NaHSO4, सोडियम बाई सल्फेट, क्या बचा सोडियम बाई सल्फेट। तो आपकी समझ में आ गया, मैंने कंप्लीट रिएक्शन को एक साथ लिख दिया। अब दोबारा नेक्स्ट में बात करता हूं, आपने ये लिख लिया होगा इसको, ये तो सोडियम ब्रोमाइड के साथ, यदि एल्कोहल की अभिक्रिया पोटेशियम ब्रोमाइड के साथ कराएं, किसके साथ पोटेशियम ब्रोमाइड के साथ, किसके सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, तो आपको पता है क्या पता है कि हमको सबसे पहले किसका निर्माण करेंगे पोटेशियम वो सॉरी एल्किल ब्रोमाइड का, एल्किल ब्रोमाइड का निर्माण करेंगे, किसका निर्माण करेंगे एल्किल ब्रोमाइड, और यहाँ से क्या होगा एक जल के अणु का निष्कासन होगा, क्या होगा जल के अणु का निष्कासन होगा। तो देखो सबसे पहले मैंने एल्किल ब्रोमाइड बना दिया, ये R और Br, उसके बाद में जल के अणु का क्या हो गया निष्कासन हो गया, जल के अणु का निष्कासन हो गया, उसके बाद क्या बना KHSO4 पोटेशियम बाई सल्फेट, पोटेशियम बाई सल्फेट। तो आपकी समझ में आ गया HBr से एल्किल हैलाइड किस प्रकार से बनाना है। तो सबसे पहले आपको HBr का निर्माण करना है, HBr का निर्माण करना है अभिक्रिया के दौरान ही, अभिक्रिया के दौरान ही। HBr का निर्माण किससे करते हैं सोडियम ब्रोमाइड या पोटेशियम ब्रोमाइड की अभिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में की जाती है, तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड का निर्माण होता है या हाइड्रोब्रोमिक अम्ल का निर्माण होता है, जो कि 48% उपयोग में लिया जाता है, 48% HBr का कितना उपयोग में लिया जाता है, जो HBr है अपना इसको ओनली 48% उपयोग में लिया जाता है, कितना 48% उपयोग में लिया जाता है, और एल्किल ब्रोमाइड का निर्माण होता है। और दूसरी मैं बात करूं, फिर मैंने पोटेशियम ब्रोमाइड ले सकता हूं सोडियम ब्रोमाइड की जगह, तो वो क्या होगा KHSO4 का निर्माण, KHSO4 बाहर निकलता है और एल्किल ब्रोमाइड का ही निर्माण होता है। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखो, एक ये एग्जांपल मैंने कराई दिया। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि सबसे पहले हो गया HCl से, HCl में क्या करना है आपको, HCl में आपको ल्यूकास रिएजेंट का उपयोग लेना है, क्या लेना है ल्यूकास रिएजेंट, ल्यूकास रिएजेंट किसे कहते हैं सांद्र HCl प्लस निर्जल ज़ेडन Cl2 को ल्यूकास रिएजेंट कहा जाता है, निर्जल ज़ेडन Cl2 और सांद्र HCl को ल्यूकास रिएजेंट कहा जाता है। फिर मैंने बात करी HCl से किससे HBr से, और HBr का किससे निर्माण किया था आपने, HBr को किससे बनाया था, मैंने अभी बताया है आपके लिए कि सोडियम ब्रोमाइड और पोटेशियम ब्रोमाइड की अभिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में की जाती है, तो सबसे पहले HBr का निर्माण होता है और HBr फिर एल्कोहल से अभिक्रिया करता है, एल्किल ब्रोमाइड का निर्माण करता है, एल्किल ब्रोमाइड का निर्माण करता है। फिर मैं बात करूं HI से, किससे HI से, तो ये HBr से हो गया, और नेक्स्ट में बात करता हूं HI से, किससे HI से, तो देखो भाई HI से, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि HIV अभिक्रिया के दौरान ही बनाया जाता है, HIV अभिक्रिया के दौरान ही बनाया जाता है, लेकिन HI के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग नहीं किया जाता है, HI के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग नहीं किया जाता है, लेकिन बुक में तो लिख रहा है लेकिन बुक में क्या वो गलत है, HI के साथ हम सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि आयोडीन का निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है आयोडीन का निर्माण होता है, HI के साथ आयोडीन का निर्माण होता है, और आयोडीन क्या करता है HI, देखो मैं बताता हूँ इसको कि HI के साथ यदि सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाए, किसका उपयोग सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग HHSO4 HI के साथ यदि सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाए, HI के साथ नहीं सॉरी पोटेशियम आयोडाइड के साथ, सबसे पहले आपको पोटेशियम आयोडाइड की अभिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ की जाती है, पोटेशियम आयोडाइड की अभिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ की जाती है, तो KHSO4, तो सबसे पहले आपको क्या बनेगा HI, क्या बनेगा HI, क्या बनेगा HI, और क्या बनेगा KHSO4 दोबारा से यह HI क्या कर लेता है सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्शन करता है, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्शन करता है, और देखो ये आयोडीन बाहर निकलती है, आयोडीन बाहर निकलती है, और किसका निर्माण होता है
फिर SO2 बाहर निकलती है गैस के रूप में, और जल के अणु का क्या होता है, निष्कासन होता है। देखो एक सल्फर दो ऑक्सीजन, यहाँ से दो ऑक्सीजन चार हाइड्रोजन, दो और दो चार हाइड्रोजन, अभिक्रिया संतुलित। तो ध्यान रखना है आपको क्या करना है, पोटेशियम आयोडाइड का उपयोग सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ या सोडियम आयोडाइड का उपयोग सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ नहीं करना है, क्योंकि ये क्या करता है, सल्फ्यूरिक जो अम्ल होता है पोटेशियम आयोडाइड को HI में तो परिवर्तित कर देता है, लेकिन HI और आगे चल करके I2 में क्या हो जाती है, संगत I2 में परिवर्तित हो जाती है। इसीलिए हम बात करें कि पोटेशियम आयोडाइड या सोडियम आयोडाइड के साथ कभी भी सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग नहीं किया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग नहीं किया जाता है। तो ध्यान रखना पोटेशियम आयोडाइड सोडियम आयोडाइड इसके साथ कभी भी हम किसका उपयोग नहीं करेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल का। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किसके साथ करेंगे, ओनली KBr या NaBr के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है, KBr या NaBr के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। तो इसके साथ फिर किसका उपयोग करेंगे, देखो किसका उपयोग करेंगे, तो इसके साथ हम क्या करेंगे, पोटेशियम आयोडाइड या सोडियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया H3PO4 फॉस्फोरिक अम्ल के साथ कराते हैं, किसके साथ, H3PO4 के साथ, H2PO4 हो गया ना, H3PO4। इसकी रिएक्शन होती है, किसका निर्माण होता है, HI का, किसका निर्माण होता है, HI का, और क्या बनता है, KH2PO4 पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट KH2PO4। अब इसकी अभिक्रिया एल्कोहल से कराते हैं, किससे, एल्कोहल से कराते हैं, तो ये जल के अणु का क्या होगा, निष्कासन, क्या होगा, निष्कासन, ये जल के अणु का निष्कासन होकर के, और किसका निर्माण होता है, एल्किल आयोडाइड का निर्माण होता है, एल्किल आयोडाइड का निर्माण होता है। मैं इस कंप्लीट रिएक्शन को लिख सकता हूँ कि एल्कोहल, फिर क्या लिया मैंने, पोटेशियम आयोडाइड, फिर क्या लिया, फॉस्फोरिक अम्ल H3PO4, H3PO4। तो सबसे पहले आपको क्या बनाना है, एल्किल आयोडाइड, क्या बनाना है, एल्किल आयोडाइड, ये एल्किल आयोडाइड, और एल्किल आयोडाइड क्या बना, ये Ri, क्या बना, Ri, और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल करके और जल के अणु के साथ क्या बनाएगा, जल के OH के साथ क्या बनाएगा, जल का एक अणु, और फिर क्या बनाएगा, KH2PO4। तो देखो बच्चों सबसे पहले मैंने एल्कोहल से एल्किल हैलाइड निर्माण करने की विधि में सबसे पहले मैंने पढ़ा था HCl, क्या पढ़ा था, HCl, और HCl में आपको पता है HCl में जो रिएजेंट यूज किया था वो किया था ल्यूकास अभिकर्मक, जिसे ग्रोव अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। ल्यूकास अभिकर्मक क्या बताया मैंने, ल्यूकास अभिकर्मक ये बताया, जब एल्कोहल की अभिक्रिया सांद्र HCl के साथ निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में की जाती है तो एल्किल क्लोराइड का क्या होता है, निर्माण होता है। तो ध्यान रखना है एल्कोहल से एल्किल क्लोराइड बनाने के लिए किस अभिकर्मक का उपयोग किया जाता है, ल्यूकास रिएजेंट या ल्यूकास अभिकर्मक का उपयोग किया जाता है। ल्यूकास रिएजेंट या ल्यूकास अभिकर्मक क्या होता है, सांद्र HCl की प्लस निर्जल ZnCl2 को ल्यूकास रिएजेंट या ल्यूकास अभिकर्मक कहा जाता है। फिर सेकंड की हम बात करें तो सेकंड पढ़ा था मैंने HBr, क्या, HBr से आपको पता है HBr को अभिक्रिया के दौरान ही बनाना पड़ता है, अभिक्रिया के दौरान ही बनाना पड़ता है। तो अभिक्रिया के दौरान कैसे बनाते हैं, कि जब KBr या NaBr पोटेशियम ब्रोमाइड या सोडियम ब्रोमाइड की अभिक्रिया किसके साथ, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में की जाती है तो HBr का क्या होता है, निर्माण होता है। और फिर HBr एल्कोहल से क्या करता है, क्रिया करता है, और एल्किल ब्रोमाइड का क्या होता है, निर्माण होता है। फिर मैंने बताया किससे, HI से, ध्यान रखना HI में कभी भी हम पोटेशियम आयोडाइड या सोडियम आयोडाइड के साथ, पोटेशियम आयोडाइड या सोडियम आयोडाइड के साथ कभी भी हम सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग नहीं करते हैं, कभी भी सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग नहीं करते हैं तो किसका उपयोग करते हैं, फॉस्फोरिक अम्ल का उपयोग करते हैं। कि सल्फ्यूरिक अम्ल क्या करता है, KI को संगत आयोडीन में चेंज कर देता है, संगत आयोडीन में परिवर्तित कर देता है, जिसके कारण यह अभिक्रिया संपन्न नहीं होती है। तो हम क्या करते हैं, पोटेशियम आयोडाइड या सोडियम आयोडाइड की अभिक्रिया फॉस्फोरिक अम्ल के साथ करते हैं तो किसका निर्माण होता है, हाइड्रोजन आयोडाइड का HI का निर्माण होता है। और यह HI क्या करती है, फिर HI एल्कोहल के HI की अभिक्रिया फिर
एल्कोहल के साथ की जाती है, और एल्किल आयोडाइड का क्या होता है, निर्माण होता है, एल्किल आयोडाइड का निर्माण होता है। तो आपकी समझ में आ गई होगी बच्चों के HX के साथ जब एल्कोहल की अभिक्रिया HX के साथ की जाती है तो एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है क्लोराइड अलग विधि से प्राप्त होगा, ब्रोमाइड अलग से प्राप्त हो रहा है और आयोडाइड अलग से प्राप्त हो रहा है। पहले में क्लोराइड की बात करें ल्यूकास रिएजेंट का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन दूसरे में बात करें सोडियम ब्रोमाइड या पोटेशियम ब्रोमाइड के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग कर रहे हैं, और तीसरे की बात करें सोडियम आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड के साथ फॉस्फोरिक अम्ल का उपयोग कर रहे हैं। तो ये आपकी समझ में आ गई होगी। और HCl में बताया था HCl की जो अभिक्रिया होती है उस अभिक्रिया का नाम है ग्रोव अभिक्रिया। क्या नाम है? ग्रोव अभिक्रिया। अब नेक्स्ट बात करते हैं, सबसे पहली अभिक्रिया हो गई HX के साथ, किसके? HX के साथ। अब नेक्स्ट अभिक्रिया की बात कर रहे हैं, किसकी? नेक्स्ट अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया, इसे ही कहते हैं डार्जन अभिक्रिया। थायोनिल क्लोराइड क्या होता है? SOCl2। क्या होता है? SOCl2, इसको बोला जाता है थायोनिल क्लोराइड। इसकी स्ट्रक्चर की बात करें S डबल बॉन्ड O Cl Cl, इसको क्या बोला जाता है? थायोनिल क्लोराइड। क्या बोला जाता है? थायोनिल क्लोराइड। और इसकी अभिक्रिया जब एल्कोहल के साथ की जाती है, एल्कोहल के साथ की जाती है तो एल्किल क्लोराइड का निर्माण होता है। कैसे? देखो सबसे पहले मैं इसमें लैंग्वेज लिख दूं आपके लिए, जब एल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ प्रीडीन होता है C5H5N, जब एल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ प्रीडीन की उपस्थिति में की जाती है, प्रीडीन की उपस्थिति में की जाती है तो एल्किल क्लोराइड का निर्माण होता है। एल्किल क्लोराइड का निर्माण होता है इस अभिक्रिया द्वारा शुद्ध एल्किल क्लोराइड प्राप्त किए जाते हैं क्योंकि अभिक्रिया मिश्रण में बने हुए सह उत्पाद SO2 तथा HCl गैसीय अवस्था में होते हैं। SO2 अभिक्रिया मिश्रण से क्या हो जाता है? बाहर हो जाता है, जबकि HCl प्रीडीन द्वारा अवशोषित
कर लिया जाता है और शुद्ध एल्किल क्लोराइड का क्या होता है, निर्माण होता है और इसको इम्पोर्टेंट रिएक्शन वेरी वेरी, देखो इतना तो बच्चों में लिख नहीं पाऊंगा, मैं मुंह से धीरे धीरे बोल दूंगा कि जब एल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ, एल्कोहल ये रहा, एल्कोहल ये रहा, थायोनिल क्लोराइड SOCl2, ये मैंने बताया था SOCl2 के साथ SOCl2 के साथ, मैं उल्टा बना देता हूँ इसको, प्रीडीन की उपस्थिति में या तो मैं C5H5N लिख दूँ या इस क्या लिख दूँ, नेम लिख दूँ इसका, प्रीडीन की उपस्थिति में की जाती है, जब एल्कोहल की अभिक्रिया प्रीडीन की उपस्थिति में की जाती है तो देखो बच्चों ये HCl बाहर और ये RCl का निर्माण, RCl या एल्किल क्लोराइड का निर्माण और SO2 गैसीयस अवस्था में, देखो तो सबसे पहले ये क्या बना RCl एल्किल क्लोराइड और ये क्या बना SO2 उसके बाद क्या बना HCl, क्या बना HCl और SO2 और HCl दोनों क्या होते हैं गैसीयस अवस्था में होते हैं, गैसीयस अवस्था में होते हैं तो ये तो अभिक्रिया मिश्रण से क्या हो जाते हैं बाहर हो जाते हैं, ये तो अभिक्रिया मिश्रण से बाहर हो जाता है, ये प्रीडीन से अभिक्रिया करके प्रीडीनियम क्लोराइड का निर्माण कर लेता है, जो अभिक्रिया मिश्रण से क्या हो जाते हैं बाहर हो जाते हैं और शुद्ध अवस्था में एल्किल क्लोराइड का निर्माण होता है और इस अभिक्रिया द्वारा शुद्ध एल्किल क्लोराइड का क्या किया जाता है निर्माण किया जाता है। तो डार्जन अभिक्रिया क्या है सुनेंगे दोबारा से, क्या सुनेंगे कि जब एल्कोहल की अभिक्रिया, एल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ, किसके साथ थायोनिल क्लोराइड के साथ और प्रीडीन की उपस्थिति में की जाती है, किसकी उपस्थिति में प्रीडीन की उपस्थिति में, देखो प्रीडीन ऐसे भी दे सकता है और प्रीडीन वो स्ट्रक्चर या संरचना बनाकर भी तो क्या देख सकता है, संरचना बनाकर भी दे सकता है, तो ये भी क्या है एक प्रीडीन है, क्या है प्रीडीन, क्या है प्रीडीन, ये संरचना भी दे सकता है और लिख करके ऐसे इसका फॉर्मूला भी दे सकता है और हिंदी में लिख कर भी दे सकता है। जब एल्कोहल की अभिक्रिया किसके साथ थायोनिल क्लोराइड के साथ प्रीडीन की उपस्थिति में की जाती है, प्रीडीन की उपस्थिति में की जाती है तो शुद्ध एल्किल क्लोराइड का निर्माण होता है क्योंकि SO2 और HCl गैसीयस अवस्था में होते हैं, जो सहोत्पाद के रूप में SO2 और HCl बनते हैं वो कैसी अवस्था में होते हैं गैसियस स्टेट में और अभिक्रिया मिश्रण के दौरान ये क्या हो जाते हैं बाहर निकल जाते हैं और शुद्ध एल्किल क्लोराइड का निर्माण होता है, अर्थात इस अभिक्रिया द्वारा शुद्ध एल्किल क्लोराइड क्या किया जाता है निर्माण किया जाता है। अब देखो इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, क्या देखते हैं एग्जाम्पल, आर की जगह मैं कोई एथिल मैथिल कुछ भी ग्रुप ले सकता हूं, ये ले लिया और यहां पर वही SOCl2 थायोनिल क्लोराइड और वो प्रीडीन, अब के मैं स्ट्रक्चर बनाकर दे रहा हूं, क्या दे रहा हूं स्ट्रक्चर बनाकर, पहले मैंने लिख के दिया था किसकी उपस्थिति में प्रीडीन की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में प्रीडीन की उपस्थिति में, तो देखो ये एल्किल क्लोराइड का निर्माण या एथिल क्लोराइड का, ये HCl का निर्माण, तो सबसे पहले क्या बना था एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड, फिर क्या बना सल्फर डाइऑक्साइड जो कि गैसियस स्टेट में, और फिर क्या बना HCl, ये भी किस में होता है गैसियस स्टेट में होता है, तो अर्थात एल्किल क्लोराइड के निर्माण किस अभिक्रिया द्वारा किया जाता है डार्जन अभिक्रिया द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा डार्जन अभिक्रिया द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, किसकी नेक्स्ट एग्जाम्पल की, तो देखो CH3 CH2 CH2 OH OH plus SO Cl2
SOCl2। तो देखो ये SO2 बाहर और इधर क्या है, ये HCl बाहर और एल्किल क्लोराइड, या ये क्या है, प्रोपेनॉल, क्या नाम है इसका, मैथ एथ प्रोप, और OH के लिए क्या आता है, तो मैं लिख सकता हूँ प्रोपेन बनॉल या प्रोपेनॉल, प्रोपेन बनॉल, और इसका नाम क्या हुआ, एथेनॉल, मैथ और एथ दो कार्बन परमाणु की संख्या, एथेनॉल क्या होगा, एथेनॉल, और यहाँ पर क्या होगा, एथिल क्लोराइड, मैथ एथ और सीएल, सीएल के लिए क्या आएगा, क्लोराइड, तो क्या होगा, एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड। और यहां पर बात करें हम तो क्या होगा, प्रोपिल क्लोराइड, प्रोपिल क्लोराइड, और यहां पर क्या निकलेंगे, SO2 गैस और HCl गैस, तो किसका निर्माण होगा, प्रोपिल क्लोराइड का। प्रोपिल क्लोराइड का निर्माण होता है। तो ठीक है बच्चों, आपकी समझ में आ गया होगा। तो आपको यहां पर एक चीज और क्या याद रखनी है, क्या आपको यह याद रखनी है कि थायोनिल क्लोराइड के द्वारा हम एल्किल क्लोराइड का निर्माण करते हैं, एल्किल क्लोराइड का निर्माण करते हैं, इसे डार्जन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। लेकिन इस अभिक्रिया के दौरान क्या, इस अभिक्रिया के द्वारा क्या हम एल्किल ब्रोमाइड का निर्माण कर सकते हैं, क्या हम एल्किल आयोडाइड का निर्माण कर सकते हैं, नहीं, अर्थात मैं बोलूं कि क्या इस अभिक्रिया द्वारा एल्किल ब्रोमाइड या एल्किल आयोडाइड का निर्माण कर सकते हैं, नहीं, क्यों नहीं, कि मैं बात करूं यहां पर SOCl2 में Cl दे रहा है, किसको, एथिल ग्रुप को Cl जा रहा है, तो तभी तो एथिल क्लोराइड का निर्माण हुआ है, या मैं बोल दूं कि एल्किल ग्रुप में किसका अटैच हो रहा है, Cl का, थायोनिल क्लोराइड के Cl का, तब किसका निर्माण हो रहा है, एथिल क्लोराइड का। तो यहाँ पर हमको एल्किल ब्रोमाइड बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होगी, SOBr2, थायोनिल ब्रोमाइड की, किसकी, थायोनिल ब्रोमाइड। थायोनिल ब्रोमाइड ज्ञात तो है, लेकिन कैसा है, अनस्टेबल या अस्थाई, कैसा है, अनस्टेबल या अस्थाई, जिसके कारण हम एल्किल ब्रोमाइड इस अभिक्रिया द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसे ही हम बात करें एल्किल आयोडाइड, तो एल्किल आयोडाइड बनाने के लिए SOI2 की आवश्यकता होगी, जो कि क्या, ये अज्ञात, अभी तक ज्ञात नहीं है, इसलिए हम एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड डार्जन अभिक्रिया द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते। तो आपको कोई यदि पूछे कंपटीशन में कि निम्नलिखित में से एल्किल ब्रोमाइड एल्किल आयोडाइड प्राप्त किया जा सकता है, ऑप्शन दे दिए डार्जन अभिक्रिया, तो सबसे पहले उसी को काटेंगे, क्योंकि एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड इस अभिक्रिया द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते, एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड इस अभिक्रिया द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि SOBr2 तो अस्थाई है, जबकि SOI2 क्या है, अज्ञात है, क्या है, अज्ञात है। अब नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं, फॉस्फोरस हैलाइड कौन कौन से, तो दो विधियां आपकी कंप्लीट। सबसे पहले तो हाइड्रोजन हैलाइड में तीन विधि पढ़ी, एक तो HCl से, जिसे ग्रोव अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है, और HCl में भी आपने क्या उपयोग किया था, HCl में हमने क्या उपयोग किया था, ल्यूकास अभिकर्मक उपयोग में लिया था। ल्यूकास अभिकर्मक क्या होता है, कंसंट्रेट HCl प्लस निर्जल ZnCl2, यहाँ वो सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2, इसे ही ल्यूकास रिएजेंट या ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं। लेकिन एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त करने के लिए मैंने बताया था सोडियम ब्रोमाइड और पोटेशियम ब्रोमाइड की अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में की जाती है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में की जाती है। लेकिन ध्यान रखना, एल्किल आयोडाइड प्राप्त करने के लिए फॉस्फोरिक अम्ल की उपस्थिति में सोडियम आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड की अभिक्रिया की जाती है। फिर नेक्स्ट हमने अभी मेथड पढ़ा है डार्जन अभिक्रिया द्वारा केवल एल्किल क्लोराइड निर्माण करने की विधि है, और इस विधि के द्वारा शुद्ध एल्किल क्लोराइडों का निर्माण किया जाता है, क्योंकि SO2 और HCl जो सहउत्पाद होते हैं वो गैसीय अवस्था में होते हैं, जो कि अभिक्रिया मिश्रण से क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं, पृथक
हो जाते हैं, और इस विधि के द्वारा शुद्ध एल्किल क्लोराइड क्या किया जाता है, शुद्ध एल्किल क्लोराइड का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। लेकिन ध्यान रखना, एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड का निर्माण नहीं किया जाता, क्योंकि SOBr2 तो अस्थाई है, SOI2 क्या है, अज्ञात है। इसलिए डार्जन अभिक्रिया द्वारा किसका निर्माण नहीं कर सकते, एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड का। और नेक्स्ट मेथड की हम बात करते हैं, किसकी, फॉस्फोरस हैलाइडों से, फॉस्फोरस हैलाइडों से। तीसरी जो विधि है, फॉस्फोरस हैलाइड, एल्किल हैलाइड का निर्माण, फॉस्फोरस हैलाइड से एल्किल हैलाइड का निर्माण। तो ध्यान रखना सबसे पहले कि फॉस्फोरस हैलाइड कौन कौन से हैं, एक तो PCl5 और सेकंड होता है PCl3। क्या होता है, PCl3। तो फॉस्फोरस हैलाइड कौन कौन से हैं, दो होते हैं, एक तो PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, एक होता है PCl3 फॉस्फोरस ट्राई क्लोराइड। तो देखो कैसे होती है कि जब एल्कोहल की अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में, PCl5 के साथ, जब एल्कोहल की अभिक्रिया PCl की उपस्थिति में PCl के साथ की जाती है। देखो ये PCl5, जब एल्कोहल की अभिक्रिया PCl5 या फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ की जाती है, तो ध्यान रखना सबसे पहले एल्किल क्लोराइड, उसके बाद निकलता है HCl और उसके बाद निकलता है POCl3। कैसे निकलना है वो देखो, ये ROH और ये PCl3 Cl और Cl, या इसको मैं लिख दूँ PCl Cl 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 और Cl। ठीक है बच्चों, एल्कोहल की अभिक्रिया हम किसके साथ, PCl5 के साथ। तो इस यहाँ से देखो, ये HCl का निर्माण, यहाँ से किसका, एल्किल क्लोराइड का निर्माण, एल्किल क्लोराइड का निर्माण। तो सबसे पहले क्या बनाया मैंने, RCl एल्किल क्लोराइड, उसके बाद HCl, उसके बाद HCl और उसके बाद देखो POCl3 फॉस्फोरस ऑक्सी ट्राई क्लोराइड, क्या नाम होगा इसका, फॉस्फोरस ऑक्सी ट्राई क्लोराइड, फॉस्फोरस ऑक्सी ट्राई क्लोराइड। तो सबसे पहले आपने जब एल्कोहल की अभिक्रिया PCl5 के साथ की जाती है तो एल्किल क्लोराइड का निर्माण होता है, जब एल्कोहल की अभिक्रिया PCl5 के साथ की जाती है तो एल्किल क्लोराइड का निर्माण होता है। एक बार और बोलेंगे, जब एल्कोहल की अभिक्रिया PCl5 के साथ की जाती है तो एल्किल क्लोराइड का निर्माण होता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं, सबसे पहले वही आपकी PCl5 के साथ, अब मैं बात करता हूँ किसके साथ, इसके नंबर दो के साथ, नंबर पहली तो हो गई PCl5 के साथ, और नंबर दो की मैं बात करता हूँ किसके साथ, PCl3 के साथ। PCl3 के साथ क्या है, एल्कोहल, क्या है एल्कोहल, ये एल्कोहल, इसकी अभिक्रिया PCl3 के साथ की जाती है, किसके साथ, PCl3 के साथ की जाती है। तो देखो भाई, ये इसके साथ और ये इसके साथ, तो किसका निर्माण हुआ, एल्किल क्लोराइड RCl। कितने अणु हैं, 1, 2 और 3, तो मैं आगे लगा देता हूँ 3 RCl। और क्या निर्माण हो रहा है, देखो P, ये क्या है OH, और कितने हैं 3, तो मैं क्या लिख दूँ OH का होल थ्राइस, या इसी को मैं खोल के लिखूँ तो ये अंदर देखो 3 का गुणा करेंगे H3 और ये फिर PO3, या तो लिख दूँ POH का होल थ्राइस या H3PO3। तो आपको ध्यान रखना है, जब एल्कोहल की अभिक्रिया PCl5 के साथ करते हैं तो एल्किल क्लोराइड का निर्माण होता है, लेकिन POCl3 का क्या होता है, निष्कासन होता है। लेकिन जब एल्कोहल की अभिक्रिया PCl3 के साथ करते हैं तो आपको ध्यान रखना है, या तो एक एल्कोहल का
अणु लिया जाता है, और एल और पीओसीएल और पीसीएल फाइव का ही क्या लिया जाता है, एक अणु लिया जाता है। लेकिन पीसीएल थ्री के साथ साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो एल्कोहल के तीन अणु लिए जाते हैं और तीन ही एल्किल क्लोराइड का निर्माण होता है। लेकिन पीसीएल थ्री के कितने अणु लिए जाते हैं, एक अणु लिया जाता है। कितना अणु लिया जाता है, एक अणु लिया जाता है, और तीन अणु एल्किल क्लोराइड के निर्माण होने के साथ पीओएच का अल्ट्राइस H3PO4 H3PO3 का निर्माण होता है, जिसे ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। तो देखो दोबारा से मैं इसको मिटा दूं, तो नेक्स्ट मैं ये लिख देता हूं। सबसे पहले तो इसका एग्जाम्पल क्या लिखता हूं, एग्जाम्पल इसकी अभिक्रिया PCl5 के साथ कराते हैं, किसके साथ, PCl5 के साथ, तो यह एल्किल क्लोराइड का निर्माण, और यहाँ से एक HCl भार और POCl3 का क्या होगा, निष्कासन होगा। अब मैं दूसरी बात करता हूँ PCl3 के साथ, तो तीन मोल आपको किसके लेने हैं, एल्कोहल के, और PCl3 के साथ क्या करानी है, रिएक्शन करानी है, क्या करानी है, रिएक्शन। तो तीन मोल ही एल्किल क्लोराइड का निर्माण होता है, तीन मोल ही एल्किल क्लोराइड का निर्माण होता है, और किसका निष्कासन होता है, H3PO3 या POH का होल्थ्राइस या POH का होल्थ्राइस का निर्माण होता है। तो आप ध्यान रखना कि एल्किल क्लोराइड किसके द्वारा, फॉस्फोरस हैलाइड से, हैलाइड के द्वारा प्राप्त करते हैं दो प्रकार से, एक तो PCl5 से, एक PCl3 से। PCl5 में POCl3 निकलता है, जबकि PCl3 की बात करें इसमें POH का होल्थ्राइस या H3PO3 बाहर निकलता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्या इस अभिक्रिया द्वारा या फॉस्फोरस हैलाइड द्वारा एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल हाइड्राइड प्राप्त कर सकते हैं, कर तो सकते हैं, लेकिन आपको पता है PBr3 और PI3 ये क्या अभिक्रिया के दौरान ही बनाए जाते हैं, अभिक्रिया के दौरान ही बनाए जाते हैं, क्योंकि इनके जो स्थायित्व क्या होता है, कम होता है। वो कैसे हैं? देखो PBr3 और PI3 के अभिक्रिया के दौरान बनाया जाता है लाल फॉस्फोरस की उपस्थिति में, लाल फॉस्फोरस की उपस्थिति में कैसे बनाया जाता है, देखो जब एल्कोहल की अभिक्रिया, एल्कोहल की अभिक्रिया लाल फॉस्फोरस के साथ X2, लाल यहाँ पर X का जो मतलब होता है क्या होता है, Br और I, तो किसका निर्माण होगा, RX, किसका निर्माण होगा, RX का या एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। तो सबसे पहले देखेंगे हम कि एल्किल हैलाइड या एल्किल ब्रोमाइड या एल्किल हाइड्राइड का निर्माण कैसे करेंगे। तो तुमको पता है लाल फॉस्फोरस का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, P4, क्या होता है, P4, और X2 या मैं ले लूँ Br2, कितने Br2, और Br2 भी कितने, 6Br2। तो देखो PBr3 सबसे पहले मेरे को क्या आवश्यकता है, PBr3 की, PBr3 लिख लिया, अब फॉस्फोरस कितने हैं, 4, तो ये क्या हो गया संतुलित, तो 4PBr3। अब इसकी अभिक्रिया हम, और ऐसे ही हम किसकी, 6I2 की अभिक्रिया करा दें, किसकी, 6I2, तो 4PI3 का ही निर्माण होता है, 4PI3 या PI3 का निर्माण होता है। अब एल्कोहल की अभिक्रिया हम PBr3 के साथ करा दें, किसके साथ, PBr3 के साथ, तो आपको पता है एल्किल ब्रोमाइड बनता है, एल्किल ब्रोमाइड बनता है, क्या बनता है, एल्किल ब्रोमाइड, और POH का होल्थ्राइस का क्या होता है, POH का होल्थ्राइस का क्या होता है, निष्कासन होता है, या मैं बोल दूं H3PO3 वही सेम एल्किल क्लोराइड जैसी रिएक्शन है, या मैं बोल दूं इसका एग्जांपल एक CH3CH2OH इसकी अभिक्रिया PBr3 के साथ कराते हैं, किसके साथ, PBr3 के साथ। ध्यान रखना इस टाइप से रिएक्शन नहीं होगी, किस टाइप से होगी, इस टाइप से रिएक्शन होगी, यहाँ पर ये दे दिया जाएगा एल्कोहल, क्या दे दिया जाएगा, एल्कोहल,
और यहां पर दे दीजिएगा लाल फास्फोरस प्लस एक्स टू की उपस्थिति में, क्योंकि यहां पर लाल फास्फोरस नहीं दे रखा है, यहां तो मैंने लाल फास्फोरस के द्वारा क्या किया है, पीबीआर थ्री का निर्माण किया है, इसलिए मैं इसको खोल करके और लिख रहा हूं। तो थ्री क्या हो गया, थ्री सी एच थ्री सी एच टू बी आर प्लस किसका निर्माण, पी ओ एच का होल थ्राइस, या बोल दूं एच थ्री पी ओ थ्री, एच थ्री पी ओ थ्री। तो आपकी समझ में आ गया, फॉस्फोरस हेलाइड दो होते हैं, पी सी एल थ्री और पी सी एल फाइव। सबसे पहले हमने पी सी एल फाइव से बनाया, पी सी एल फाइव में आपको पता पी ओ सी एल थ्री बाहर निकलता है, क्या बाहर निकलता है, पी ओ सी एल थ्री। और पी सी एल थ्री की बात करें तो पी सी एल थ्री में क्या बाहर निकलता है, एच थ्री पी ओ थ्री या पी ओ एच का होल थ्राइस और एल्किल क्लोराइड का निर्माण होता है। दूसरी यदि हमने बात करें कि आपको पता है पी वी आर थ्री पी आई थ्री अभिक्रिया के दौरान ही बनाए जाते हैं, अभिक्रिया के दौरान ही बनाए जाते हैं। वो कैसे बनाए जाते हैं कि जब लाल फास्फोरस की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ की जाती है, ब्रोमीन के साथ की जाती है तो पी वी आर थ्री का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, पी वी आर थ्री का निर्माण होता है। और जब इस पी वी आर थ्री की अभिक्रिया एल्कोहल के साथ की जाती है तो एल्किल ब्रोमाइड का निर्माण होता है, एल्किल ब्रोमाइड का निर्माण होता है। तो बच्चों अब तक आपने क्या पढ़ा, सबसे पहले आपने एल्किल हैलाइड के निर्माण में एल्केन से, किससे, एल्केन से, जो कि शुद्ध हम एल्किल हैलाइड प्राप्त नहीं कर सकते। दूसरी हम बात करें एल्किन से, एल्किन ने आपने दो नियम पढ़े थे, एक तो मार्कोनिकोफ, एक एंटी मार्कोनिकोफ नियम, या एंटी मार्कोनिकोफ नियम के दो अन्य नाम थे, एक तो परोक्साइड प्रभाव और एक और था एक खरास प्रभाव। फिर हमने किसकी बात की, फिर हमने आपसे बात की थी अभी शुरुआत में आए थे उस टाइम, किससे, एल्कोहलों से, और एल्कोहल में किससे की थी, एच एक्स से, और एच एक्स में सबसे पहले ग्रोव अभिक्रिया जो कि ल्यूकास अभिकर्मक की उपस्थिति में, एल्कोहल की अभिक्रिया किसके साथ, ल्यूकास अभिकर्मक, ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है, सांद्र एस सी एल या कंसनट्रेट एस सी एल प्लस निर्जल जेड एन सी एल टू की उपस्थिति में की जाती है, तो एल्किल क्लोराइड का निर्माण होता है। लेकिन ब्रोमाइड प्राप्त करने के लिए हम सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग करते हैं, किसकी, किसके साथ, पोटेशियम ब्रोमाइड या सोडियम ब्रोमाइड के साथ। लेकिन आयोडाइड प्राप्त करने के लिए हम फॉस्फोरिक अम्ल का उपयोग करते हैं, किसके साथ, पोटेशियम आयोडाइड और सोडियम आयोडाइड के साथ। फिर हमने बात की किसकी, फिर हमने की एल्कोहल किसकी, आपने हम मैंने ये भी बताया था कि किसके साथ, पोटेशियम आयोडाइड और सोडियम आयोडाइड के साथ हम किसका उपयोग, सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि संगत आयोडीन में क्या कर देता है, परिवर्तन कर देता है। फिर मैंने बात की थी डार्जन अभिक्रिया, और डार्जन अभिक्रिया की मैंने आप बताई थी कि शुद्ध एल्किल क्लोराइड प्राप्त करने की सबसे उत्तम विधि है, क्योंकि इसमें सहउत्पाद SO2 और HCl जो बनते हैं वो क्या होते हैं, अभिक्रिया मिश्रण से बाहर हो जाते हैं, और HCl पिरिडीन से अभिक्रिया करके किसका निर्माण कर लेती है, पिरिडीनियम क्लोराइड का निर्माण कर लेती है। अर्थात एल्कोहल की अभिक्रिया किसके साथ, SOCl2 एथिनोल क्लोराइड के साथ की जाती है, तो एल्किल क्लोराइड या शुद्ध एल्किल क्लोराइड का क्या होता है, निर्माण होता है। लेकिन एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड डार्जन अभिक्रिया द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है डार्जन अभिक्रिया द्वारा SOCl2 के द्वारा तो एल्किल क्लोराइड प्राप्त करते हैं, लेकिन ब्रोमाइड और आयोडाइड प्राप्त करने की आपको पता है SOBr2 SOI2 की आवश्यकता होगी। SOBr2 तो क्या है, अस्थाई है, जबकि SOI2 क्या है, अज्ञात है। फिर मैंने नेक्स्ट अभी बात की है फॉस्फोरस हैलाइड से, और फॉस्फोरस हैलाइड में मैंने बताया था PCl3 में किसका निष्कासन होता है, POCl3 का, एल्किल क्लोराइड का ही निर्माण होता है। जबकि PCl3 की बात करें तो इसमें H3PO3 या POH का होल्थ्राइस का निष्कासन होता है, और किसका निर्माण होता है, एल्किल क्लोराइड का। बात करें एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड क्या इस अभिक्रिया द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन लाल फास्फोरस की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ या आयोडीन के साथ कराते हैं तो सबसे पहले PBr3PI3 का निर्माण करते हैं, और PBr3PI3 की अभिक्रिया फिर किसके साथ, एल्कोहल के साथ की जाती है, और किसका निर्माण होता है, एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड का निर्माण होता है। तो ठीक, थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर कोऑपरेशन, आज के लिए बस इतना ही।